नमस्कार दोस्तों, मैं BS रोशी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरी कक्षा 7वीं में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही उल्लास आनंद भरी जो कविता है उस कविता का रसपान करने जा रहे हैं। हमारी कविता है, जो कविता है उस कविता का नाम है बसंत गीत। बसंत यानी वसंत ऋतु और गीत माने किसी के ऊपर लिखी हुई एक अच्छी बात। गीत का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के या किसी चीज़ के स्वभाव गुणों को संगीत की सहायता से या रिदम की सहायता से पेश करना। तो बसंत गीत इस कविता को जिस कवि ने लिखा है उनका नाम है चंद्र प्रकाश चंद्र। चंद्र प्रकाश जी चंद्र के नाम से भी एक लेखक के रूप में हिंदी साहित्य में जाने जाते थे। अब चंद्र प्रकाश जी के बारे में अगर थोड़ी जानकारी लेनी चाहे तो चंद्र प्रकाश जी का जन्म जो है 3 अक्टूबर 1957 में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। चंद्र प्रकाश जी एक अच्छे कवि, लेखक, निर्देशक और अभिनेता थे। यानी वे बहुप्रतिभावान इंसान हम कह सकते, जिसे हम आप लोग ऑलराउंडर कहते हो, तो ऑलराउंडर थे। एक अच्छे लेखक, एक अच्छे अभिनेता, एक अच्छे निर्देशक और एक अच्छे लेखक वे थे। उन्होंने कई सारे पत्र और पत्रिकाओं में भी लेखन का कार्य किया। उनकी कई सारी कहानियाँ जैसे ख्याल ऊपर और ऊपर, उनके बाल गीत और टेलीफिल्म के गीत भी कई सारे प्रसिद्ध हैं। आज हम जो कविता पढ़ने के लिए जाने वाले हैं उस कविता में कवि चंद्र प्रकाश जी ने हम लोगों को वसंत ऋतु में होने वाले जो परिवर्तन है उन परिवर्तनों के बारे में जानकारी दी है। जब वसंत ऋतु का आगमन होता है उस आगमन की वजह से प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, इन सारी चीज़ों का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन इस कविता में की गई है। इस ऋतु में जिधर भी दृष्टि जाती है चारों ओर हम लोग को सौंदर्य, हरियाली और सुंदरता ही सुंदरता दर्शा दिखाई देती है, जो हमारे मन को मोहित करने का काम करती है। तो चलिए हम सब मिलकर देखते हैं कि हमें हमारे कवि चंद्र प्रकाश जी ने बसंत गीत कविता के द्वारा कौन सा संदेश या कौन सी खूबसूरती का वर्णन हमारे साथ किया है। सजी आयो रे ऋतु वसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु वसंत सजी आयो। तो कवि हमें कहते हैं कि जो वसंत ऋतु है, वसंत ऋतु सज धज के हम लोगों के सामने आया हुआ है। देखिए, वसंत ऋतु का आगमन होते ही हर जो धरती होती है, धरती एक तरीके से हरेपन की चादर ओढ़े बैठती है। जो पेड़ होते हैं हरे भरे हो जाते हैं, उन पर सुंदर सुंदर फूल अपनी शोभा दर्शाने का कार्य करते हैं। जिस तरीके से शादी या किसी बड़े से कार्यक्रम में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर सज धज कर जाते हैं, सवर कर जाते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं और कई सारी सजावट की चीज़ों को इस्तेमाल कर हम अपने आप को सुंदर दर्शाने का प्रयास करते हैं। उसी तरीके से वसंत जो है वो ऋतुओं का राजा है और यह ऋतुओं का राजा बड़े ही थाट के साथ सज धज कर हमारे सामने आया है। इसी ऋतु की वजह से पूरी धरती, पूरा जो पर्यावरण है, पर्यावरण का मेकओवर हो चुका है। जो पेड़ों के पत्ते गिर गए थे उनके ऊपर नए पत्ते आए हैं, उनके ऊपर फूल फल आए हैं और उनकी वजह से उनकी सुंदरता में चार चांद लग चुके हैं। इसीलिए कवि हमसे कहते हैं कि जो वसंत ऋतु आया है वो सज धज कर आया है। इसीलिए हम लोगों को जो बसंत के गीत है उन गीतों को गाना चाहिए। गीत और संगीत भारतीय संस्कृति से बड़ा बहुत ही करीबी से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है। हमारे भारतीय संस्कृति में जन्म से लेकर मरने तक गीत लिखे गए, यानी इंसान के हर कार्यक्रम के लिए, हर हर एक फंक्शन के लिए हमारे पास गीत लिखे गए हैं। इसलिए बसंत महीने की सुंदरता को प्रकट करने वाले या बसंत महीने की महिमा को स्पष्ट करने वाले कई सारे गीत हमको देखने को मिलते हैं। इसलिए कवि सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि जो वसंत ऋतु सज धज कर अपना प्रदर्शन कर रहा है, हम लोगों को भी उसका स्वागत कर बसंत के जो गीत है उन गीतों को गाकर पूरे
तरीके से, अच्छे तरीके से बसंत ऋतु का स्वागत करना चाहिए। सहर्ष आनंद के साथ बसंत ऋतु का आगमन हो गया है, इसलिए हमें उसका स्वागत करना चाहिए। कली कली करत कलोल कुसुम मन मंद मंद मुस्कायो, गुनगुन गुनगुन गुंजे मधुप गन मधु मकरंद चुरायो। कली करत कलोल कुसुम मन मंद मंद मुस्कायो। कली, कली का मतलब आप जानते हो, कली का मतलब होता है फूल का बचपन वाला हिस्सा, जिसे आप बड भी बोलते हो। जो कली होती है, कली आगे चलकर फूल का रूप धारण करती है। तो जो पेड़ पर लगी हुई हर एक कली है, वो कली अब कलोल कर रही है। कलोल का मतलब होता है क्रीड़ा, खेलना। जो कलिया है, कलिया उस पवन के साथ या हवा के साथ कई सारे खेल खेल रही है। एक तरीके से मानो अपना बचपन जी रही है, अपने बचपन के समय को व्यतीत कर रहे है, ऐसा कवि का मानना है। कुसुम मन मंद मंद मुस्कायो, कुसुम का मतलब होता है फूल, मंद मंद का मतलब होता है धीरे धीरे, मुस्कराने का मतलब होता है हंसना। तो जो कली अब कली का रूप छोड़कर एक सुंदर और आकर्षक फूल बन चुकी है, वो धीरे धीरे मुस्करा रहा है, वो अपनी खुशी प्रकट कर रहा है। जब फूल कली से फूल का रूप वो धारण करता है, तो धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता चला जाता है, और जब वो पूरी तरीके से फूल बन जाता है या फूल बनकर खिलता है, तो उसका जो वास्तविक रूप है, वो वास्तविक रूप जो होता है, बड़ा ही आकर्षक होता है। सिर्फ इंसानों को नहीं, तो कई सारे कीटकों को, कई सारे तितलियों को, कई सारे पक्षियों को वो अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है। तो जो कली पवन के साथ या हवा के साथ खेल रही थी, झूम रही थी, उसी कली से जो फूल बना है, वो फूल धीरे धीरे और होले होले मुस्कुराने का काम कर रहा है, हंसने का काम कर रहा है। गुनगुन गुनगुन गूंजे मधु गन मधु मकरंद चुरायो। गुनगुन, जो मधुप का मतलब होता है भोरा। भोरा आप लोगों ने देखा होगा, जिसका तन या जिसका शरीर जो होता है पूरे काले रंग का होता है। आप अगर बगीचे में, उपवन में या किसी बगीचे में गए होंगे, तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि जो पूरे फूलों के ऊपर एक काला सा बड़ा सा कीटक मंडराता है, जिसकी आवाज़ भिन भिन करके होती है, वही भोरा कहलाता है। तो जो भोरा है, वो भोरा उन फूलों के ऊपर गुनगुन कर गूंज रहा है, अपनी आवाज़ निकाल रहा है। मानो उन फूलों की खूबसूरती देखकर उसका मन बड़ा आनंदित हुआ है, प्रसन्न हुआ है, और वो अपने आनंद को, अपनी प्रसन्नता को अपने गीतों के जरिए, अपने इस प्यार के जरिए प्रकट करने का काम कर रहा है, ऐसा यहाँ पर कवि का मानना है, कवि का कहना है। मधु मकरंद चुरायो, मधु का मतलब होता है मीठा, और मकरंद का मतलब होता है फूलों का रस, जिसे आप शहद भी कहता हो, शहद भी कहते हो। शहद, अगर हम बात करें शहद की, शहद और मधुमक्खी, बस इतना ही रिश्ता हम लोगों को पता है। लेकिन कई सारे जो कीटक होते हैं, चाहे वो तितली हो या बाकी के कीटक हो, वे कीटक जब फूल के ऊपर बैठते हैं, तो उनका एक ही उद्देश्य होता है कि जो फूल के अंदर मधुरस है, वो मधुरस उन्हें मिले, और उस मधुरस को पाषण करके या उस मधुरस को पीकर वो अपनी भूख को शम कर सके, नष्ट कर सके, अपनी भूख को कम कर सके। आप लोगों ने देखा होगा कि जो फूल होते हैं, फूलों पर कई तरीके के कीटक बैठे हुए आप लोगों को देखने को मिलते हैं, चाहे वो तितली हो, मधुमक्खी हो, भौरे हो, और कई सारी मक्खी जैसे कीटक हो, उन फूलों पर बैठने का काम करते हैं। जब वे फूलों के ऊपर बैठते हैं, तो उनकी ही सहायता से परागण का काम भी होता है, यानी एक फूल के परागण दूसरे परागण पर जाते हैं, और उनसे ही उनकी नवनिर्मिति होने का काम होता है, या फलधारणा के काम वहाँ पर होता है। तो इस तरीके से फूल जो होता है, उनको मधुरस पिलाने का काम करता है, और बदले में जो कीटक है, वो परागण करने का काम करते हैं। यानी यहाँ पर जो पर्यावरण है, पर्यावरण किस तरीके से अपने कार्य को आगे बढ़ाता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी इंस्ट्रक्शंस के, या बिना किसी बातचीत के, ये सारी बातें, मतलब मौन रखकर ये सारी बातें हो रही है, ऐसा उनका कहना है। तो जो भोरे भोरे फूलों के ऊपर गुनगुन गुनगुन कर गुनगुना रहे हैं, घूम रहे हैं, मानो उन फूलों को वो अपना गीत सुनाकर उनका मनोरंजन करने का काम कर रहे हैं, या उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। कई सारे जो भोरे हैं या कई सारे जो कीटक हैं, फूलों के ऊपर बैठकर उनके मधुरस का आनंद ले रहे हैं।
एक तरीके से फूल उन्हें अपने बच्चों की तरह अपने साथ अपने गोदी में दुलार रहे हैं और उन दुलार से उनके साथ प्यार से पेश आकर उन्हें अपना मधुरस पिलाने का काम कर रहे हैं। ऐसा कवि हम लोगों को व्यक्त करते हैं। सजी आयो रे ऋतु वसंत सजी आयो, अजी आयो रे ऋतु वसंत सजी आयो। तो वसंत ऋतु सज धज कर हम लोगों के सामने आए हुए हैं और ऐसे वसंत ऋतु का स्वागत हम लोगों को बसंत गीत गाकर करने चाहिए। बन बन बाग बाग बगियन में सुहानी सुगंध उड़ायो, टुमकी टुमकी मयूरा नाचत गीत कोयलिया गायो। बन बन बाग बाग, बन का मतलब होता है जंगल और बाग का मतलब होता है उपवन। चाहे वो बन हो या उपवन या बगीचा हो, हम अगर देखेंगे तो हमें जो सुहानी सुगंध है, खुशबू है, वो खुशबू हमें चारों तरफ देखने को या महसूस करने को मिल जाती है। जो पेड़ होते पेड़ों के ऊपर वसंत के मौसम में कई सारे फूलों की उत्पत्ति होती है, कई सारे फूल जो होते हैं कलियों से फूल का रूप धारण कर लेते हैं, इसलिए उन फूलों के अंदर से एक सौंधी सी खुशबू आती है, कई सारे फूल मिलकर उनकी सुगंध को फैला देते हैं। इसीलिए अगर आप जंगल में घूमो या बगीचे में घूमो, वहाँ पर आपको फूलों की जो सौंधी सी या मीठी सी जो खुशबू है, वो खुशबू आपको आपकी तरफ आकर्षित ही कर लेंगी। एक फूल जब इतनी खुशबू दे सकता है तो सोचो जिस बगीचे में आपको चारों ओर फूल ही फूल दिखाई देंगे, वहाँ पर आपको किस तरीके का वातावरण या किस तरीके का सुगंध आपको वहाँ पर मिलेगा। जिस तरीके से हम गुलाल उड़ाते हैं, जिस तरीके से हम अबीर उड़ाते हैं, उसी तरीके से जो फूल है, फूल वसंत के ऋतु में अपनी सुगंध को चारों ओर फैलाते हैं और अपनी सुगंध की वजह से वे सभी का मन अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य करते हैं। ऐसा कवि हमें यहाँ पर कह रहे हैं। ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत गीत कोयला गाए। ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत, जो मयूरा का मतलब मोर, मोर जो है मोर अपनी खुशी प्रकट करते हुए नाच रहा है। हर व्यक्ति का खुशी दर्शाने का एक अलग सा तरीका होता है। कई सारे लोग खुशी गाकर सुनाते हैं, कई सारे लोग खुशी हंसकर प्रकट करते हैं, कई सारे लोग जो होते हैं नाचकर अपनी खुशी को प्रकट करते हैं। उसी तरीके से जो मयूर है, जो मोर है, मोर को चारों तरफ हरियाली जब दिखती है, फूलों पर पेड़ों पर उसे फल फूल दिखते हैं, तो वो वातावरण और दृश्य देखकर वो बहुत ही मोहित हो जाता है, बहुत ही आनंदित हो जाता है और आनंद के मारे वो नाचने लगता है। मोर जब नाचने लगता है तो मोर के साथ साथ जो कोयल है, कोयल भी मानो एक तरीके से वसंत के ऋतु के आगमन या वसंत के ऋतु का स्वागत करने के लिए अपनी मीठी आवाज से उन्हें गीत सुनाने का काम करती है। मोर जो होता है, हम कहते हैं कि जब आसमान में काले काले बादल छाते हैं तो उन बादलों को देखकर अपने हर्ष को आनंद को व्यक्त करते हुए वे नाचता है, ऐसा हम यहाँ पर कहते हैं। लेकिन उसी तरीके से वसंत की ऋतु में हरियाली को देखकर उसका मन आनंदित हो जाता है, इसीलिए वो हम लोगों को नाच दिखाता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि जो वसंत ऋतु है वो सज धज कर आया है और उसके स्वागत के लिए हमें वसंत के गीत जो है उन गीतों को गाना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। पीली पीली सरसों फूली अरु बोर अमुआ पे छायो, हरी हरी मटर बिछोने ऊपर अमित रंग बरसायो। पीली पीली सरसों फूली, अब सरसों को तो आपने देखा ही होगा, जो पीले रंग के उसके फूल आ जाते और पत्ते हरे होते, तो मानो ऐसा लगने लगता है कि पीले और हरे रंग के कपड़े पहने हुए कोई उस खेतों में खड़ा हुआ है, ऐसा हमें व्यतीत होता है, ऐसा हमें लगने लगता है। तो जो सरसों है, सरसों पीले 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 फूल से खिली हुई है, बसंत के ऋतु में ही जो सरसों है वो फूली हुई हमें देखने को मिलती है। अरु बोर अमुआ पे छायो, बोर का मतलब होता है आम के फूल, आम के फूल। तो जो आम के फूल जो होते हैं, जिसे हम मोर भी हमारी भाषा में बोलते हैं, हमारी लोकल लैंग्वेज से बोलते हैं, तो आम के जो फूल है वो मानो आम के पेड़ पर आकर छाए हुए हैं। आज भी अगर आप देखोगे तो विंटर के सीजन में आप लोग को देखने को मिलते हैं, लेकिन वसंत के ऋतु में वो ज़्यादा ही उनके ऊपर फ्लावरिंग आती है। पीले कलर के फूल जो होते हैं, वो फूल हम लोगों को देखने को मिलते हैं। हरी हरी मटर बिछोने ऊपर अमित रंग बरसायो,
जो मटर है, मटर इस तरीके से दिख रही, मानो किसी ने हरे रंग के बिछोनी को धरती पर बिछा कर रखा है या वहां पर लगा कर रखा है। वो असीमित रंग है, अमित का मतलब बताए असीमित रंग उसके बिखरे हुए हरे मटर जो है वो इस तरीके से बिखरे हुए मानो धरती पर किसी ने हरे रंग के कपड़े को बिछा कर रखा हुआ है। इस तरीके से वसंत ऋतु सज धज कर आया है और इस तरीके से सज धज कर आए हुए वसंत ऋतु का स्वागत हमें गीत को गाकर करना चाहिए, ऐसा कवि का मानना है। तो इस प्रकार से जो हमारे कवि चंद्र प्रकाश जी ने वसंत ऋतु में आने वाले परिवर्तन या जो पक्षी पशु या इंसान के मन में होने वाले आनंद को इस तरीके से व्यक्त किया है।